सिंगरौली एसपी तुषार कांत विद्यार्थियों के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस की मस्जिदों व मदरसों में जारी है। तलाशी अभियान हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन बेड़न कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने कई मस्जिद व मदरसों के संचालकों की बैठक भी ली है और बाहर से रहने या आने जाने वाले लोगों की जानकारी ली है। खासतौर पर तबलीगी जमात के लोगों के आवाजाही की जानकारी मांगी है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने अपने अन्य टीम के साथ में मस्जिदों और मदरसों की निगरानी शुरू कर दी गई है। पुलिस का तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत पुलिस मस्जिद की तलाशी ली है। जिले के सभी मस्जिदों और मदरसों में भी पुलिस ने जांच करने की बात भी कही है। पुलिस का कहना है कि मस्जिदों और मदरसों में जांच और तलाशी अभियान के पीछे इरादा यह पता करना है कि इन मस्जिदों व मदरसों में बाहर से आए हुए लोगों को तो नहीं ठहराया गया है। ऐसा हुआ तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के संकट के दौर में संदिग्ध लोगों की जांच तेज कर दी गई है। धर्म स्थलों में रुके लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लॉकडाउन की अवधि में भी कितने लोग बिना सूचना दिए ठहरे हुए हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार नजरें बनाई हुई है। सिंगरौली से उपेन्द्र दुबे की रिपोर्ट।